बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा नाम है बस। मतलब अगर आपने एक पाइप ली, सीधी टेढ़ी ऊपर नीचे कैसी भी ले, ये वर्स्ट केस है, जहाँ पर हाइट है H1 H2, जहाँ पर लिक्विड एंटर कर रहा है V1 के साथ, बाहर आ रहा है V2 के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 से A2 हो गया, प्रेशर P1 से P2 हो गया, ठीक हो गया। तो टर्म्स गिवन है, बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि आप लिक्विड का कोई मर्जी पॉइंट ले लो पाइप के अंदर, यहाँ लो, ये लो, ये लो, जो मर्जी लो, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक कम हो जाए, काइनेटिक कम हो रही है पोटेंशियल बढ़ जाए, दोनों कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन तीनों का सम सेम रहेगा। तो यही तो है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों का सम किसी भी पॉइंट पर कॉन्स्टेंट है। जब ये पेपर में आएगा, स्टेट एंड प्रूफ आता है, स्टेटमेंट आपने ध्यान से यही लिखनी है कि इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, ये लिखना है। ऐसा ना हो आपने पानी भेजा या कोई लिक्विड भेजा, वो कंप्रेस ही हो गया, अगर कंप्रेस हो गया, अगर वॉल्यूम ही कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कंप्रेसिबल नहीं चाहिए, इनकम्प्रेसिबल चाहिए। नॉन विस्कस, आपने बर्नौलीज लगाई शहद के ऊपर, वो टिप टिप गिर रहा है तो उस पर क्या लगेगी बर्नौलीज, आप वो बहने को तैयार ही नहीं है, तो कौन सा होना चाहिए, नॉन विस्कस, पानी जैसा लिक्विड। इन अ स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, स्टेडी फ्लो पे लगती है। स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लो प्रोवाइडेड देर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ द फ्लूड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द, मतलब ऐसा ना हो यहाँ आपने होल कर दिया, पता लगे पानी टिप टिप करे जा रहा है और आप वहाँ पर नॉलेज लगा रहे हो तो पानी पहुँचेगा नहीं, तो पर नॉलेज की एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी, स्लो जाएगा वहाँ पानी। या यहाँ पर सिंक ना हो, मतलब एक आपने पाइप लगा दी जिसमें पानी भेजते जा रहे हो, या सोर्स ना हो ताकि आप पानी यहाँ भेज भी रहे हो, ना निकले, ना लीक होगा या आप यहाँ भेजेंगे, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो ये आपने लिखना है, राइट, ऐसे लिखना। इसका प्रूफ है, प्रूफ में हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1, लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, सबसे पहले आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो P1 बड़ा है और P2 छोटा है, सिंपल है। P1 बड़ा होगा, प्रेशर नीचे का बड़ा ही होगा, तभी ऊपर जाएगा पानी, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा। तो प्रेशर ने वर्क डन किया, प्रेशर ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, उससे पहले ये बताओ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो वैलिड है क्या। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, क्या स्टेप क्लियर है, ये तो वैलिड रहेगा। इसमें एक काम करो, दोनों साइड्स को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करो m के साथ, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, मास एंटरिंग पर सेकेंड एंड मास कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू सेम है, तो जिसको मैंने m से रिप्रेजेंट, यहां पर m मास नहीं है इंपॉर्टेंट, यहां पर m मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, क्लियर है यहां तक। तो यहां से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू एम बाय रो, इस रो को नीचे ले आओ, ये पहली इक्वेशन आज मैं यूज करूंगा, क्लियर है यहां तक। तो A1 V1 A2 V2 इज इक्वल टू एम बाय रो, ठीक, पहली क्वेश्चन क्लियर है। एक और स्टेप देख लो, बर्नौलीज खत्म हो जाएगी, ठीक, क्या कि अगर सपोज करो प्रेशर यहां लगा P1, प्रेशर इंटू एरिया क्या है, फोर्स, तो कितनी फोर्स लगी, P1 इंटू एरिया फोर्स लग गई, और कितनी वेलोसिटी है, V1, तो ये मैंने क्या लिख दिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जिसको पावर बोलते हैं, वक्र जी पार मैंने पावर किया था। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये टर्म क्या है, वर्क डन पर सेकेंड एंट्री पॉइंट पर, और एग्जिट करने में वर्क डन पर सेकेंड कितना है, P2 इंटू A2 इंटू V2। तो चेंज इन प्रेशर का, ये जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या होगी, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, दिस इज वर्क डन बाय, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, क्या स्टेप क्लियर है, क्यों, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड, तो दिस इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब इससे हुआ क्या, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर के वर्क डन करने से पानी ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया तो देर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देर इज चेंज इन पोटेंशियल, तो मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल होने का रीजन
प्रेशर एनर्जी थी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसके अंदर कि जैसे मैंने लिखा वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, अभी मैंने क्या निकाला था P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। एक काम करो A1 V1 A2 V2 की जगह अभी हमने क्या निकाला था M बाय रो, यही था ना M बाय रो, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से M बाय रो। तो मैं इसे यूज करूंगा अभी, क्या पॉइंट क्लियर है, A1 V1 A2 V2 की जगह M बाय रो रिप्लेस कर दिया। तो यही लिखा हुआ, ये देखो इसके अंदर पहला स्टेप लिख लिया, दूसरा स्टेप क्या लिखा है इसमें चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी A1 V1 A2 V2 की जगह M बाय रो। तो ये आ गया वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड। मैं लगाने वाला हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान से देख लेना आप एक बार, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। भाई प्रेशर एनर्जी ने पर सेकेंड जो काम किया उससे चेंज किस में आया, काइनेटिक में और पोटेंशियल में। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी P1 माइनस P2 इनटू M बाय रो, क्लियर है यहाँ तक, ये देखो निकाल चुके हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक चीज़ बताओ मेरे को इसमें, जब आपने इसे माइनस किया तो M का मतलब यहाँ पर क्या है, मास पर सेकेंड, तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। ऐसे ही काइनेटिक में क्या आएगा, हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसके अंदर भी M का मतलब क्या है, मास पर सेकेंड, तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक पर सेकेंड। तो यूनिट तो बराबर करोगे ना, पर सेकेंड, तो इक्वेट कर दिया राइट, या करेक्शन कर लेना एक बार, ये मैंने इक्वेट किया है, देखो ये लिख दिया मैंने इसमें, ये देखो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड इंक्रीज इन पोटेंशियल इंक्रीज इन काइनेटिक, तो ये इंक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल, या मास लगा लेना, मास उड़ गया, या मास करेक्शन है, या मास भी आएगा यहां पर, करेक्शन है यहां पर, मास लगाओ, बन गई इक्वेशन। वो अलग बात है कि इक्वेट करके मास मास और मास क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। इन्हें ओपन कर दें, ओपन करके ये टर्म आ गई, तो यहां पर 1-1 वाली टर्म एक तरफ और 2-2 वाली टर्म एक तरफ, 1 इधर 2 इधर, तो यानी कि किसी 1 और 2 पॉइंट पर सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का सम कॉन्स्टेंट हो गया प्रूफ। तो आपने यहां तक प्रूफ करके आना है, इट इज कॉन्स्टेंट, क्लियर है। उसके बाद कभी मॉडिफिकेशन कई बार बुक्स यूज कर लेती हैं, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से करोगे तो ये पी बच जाएगा, रो जी एच, और ये वी स्क्वायर रो बाई टू, या ऐसा करो दोनों साइड्स को जी से डिवाइड कर दो, तो जी 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 से डिवाइड करो ये टर्म आएगी, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड, लिखा हुआ है प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड, ये बर्नौलीज थ्योरम है।